वेलकम टू स्टेप अप, आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 15 मई 2019। तो चलिए अपने डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों आर्टिकल्स पोलिटिकल आर्टिकल हैं। ममता बनर्जी जी का एक मीम शेयर किया गया सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ उन्होंने एक बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर केस किया, उन्हें जुडिशियल रिमांड में रखा गया, अभी उन्हें बेल मिल गई है। तो राइटर इस मुद्दे पर क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं अगर महज एक मीम को शेयर करने की वजह से किसी के खिलाफ केस किया जाता है, उसे जुडिशियल रिमांड में लिया जाता है, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, फिर तो ऐसे काम चल नहीं पाएगा। तो यही सारी बातें इस आर्टिकल में की गई हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट नहीं। इस पेज पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में है, विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पेज पर भी एक ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पुअर बिलियनियर्स, मतलब कि जो लोग बहुत अमीर हैं वो वास्तव में गरीब हैं। वो कैसे गरीब हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज हमारे पास ऐसे राइटिंग के लिए क्या है। वी हैव अ स्टेटमेंट ऑफ एम एन रॉय। स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए, मैन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसे आप अपार्ट मत करिएगा, ये ए एक साथ हो गया है, इसे अलग से ए करिए, ठीक है। मैन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मनुष्य समाज का एक हिस्सा होता है। सोसाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, समाज प्रकृति का एक हिस्सा होता है। एंड द एनिमेट नेचर इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, और ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये भौतिक संसार का एक हिस्सा है या ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल प्रैक्टिस तब तक अल्टीमेट सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता जब तक कि वो फंडामेंटल फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स से गाइडेड ना हो। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे चल रहा है। तो कोई भी फिलोसफी, कोई भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो फंडामेंटल फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो ना कर रहा हो। अब इस लाइन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए आपको इस बात को जानना होगा कि एम एन रॉय एक्चुअली में किस पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, किस पॉलिटिकल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, वो किससे प्रभावित थे। एक्चुअली में एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे और कम्युनिज्म की फिलॉसफी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उनका मानना है कि हर पॉलिटिकल प्रैक्टिस या फिलॉसफी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करे तभी वो सक्सेसफुल हो सकती है। उनके हिसाब से जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी है वो एक व्यक्ति की बेसिक नीड जो होती है समाज में समानता और आर्थिक समानता, जिसे आप सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी कह सकते हैं, उस पर फोकस करती है। दैट्स वाई इट कैन बी अ सक्सेसफुल फिलॉसफी। बाकी फिलॉसफीज बेसिक फाउंडेशंस को फॉलो नहीं करते। तो ये लाइन आप अपनी समझ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन फाउंडेशन बैचेस के बारे में है। 10 जून से बैचेस अनाउंस्ड हैं, काफ़ी पहले से ये बैचेस अनाउंस्ड हैं। अगर आप 22 तारीख के पहले इनरोल हो रहे हैं, 10 दिन का गैप दिया गया था, 12 से 22 मई के बीच का, यू कैन अवेल 30% ऑफ डिस्काउंट, वॉट एवर फीस इज। 780 आवर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। फैकल्टीज़ में कुछ लोग सिलेक्टेड होंगे, कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कुछ सीनियर फैकल्टीज़ होंगी। एक ओर आपका क्लास चलेगा, दूसरी ओर आपका पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम पैरेलली चलेगा। आपके पास एक कोच होंगे, वो आपको गाइड करेंगे, टारगेट देकर सेल्फ स्टडी करवाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, प्लान तैयार करवाएंगे, अच्छी नोट्स कैसे बनाएं उस पर काम करेंगे, और पूरी तैयारी के दौरान आपको मोटिवेटेड रखेंगे। पर्सनल गाइडेंस के इस प्रोग्राम को सेपरेटली भी अवेल किया जा सकता है। ये सारे प्रोग्राम अजय मिश्रा सर के अंडर में चलते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन BSc और MBA है। MBA इन्होंने यूनाइटेड बिजनेस इंस्टीट्यूट बेल्जियम से किया है। 17 सालों का इनका एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम को लेकर। अपने समय में इन्होंने दो बार 2004-2005 में इंटरव्यू भी फेस किया है। पिछले 12 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और इन्होंने ही प्रोफेशनली 2012 में स्टेप अप IAS को लॉन्च किया था। बाकी इन प्रोग्राम्स के बारे में आप कोई और डिटेल चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर यू कैन सी बिलो इन योर स्लाइड्स। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पहला आर्टिकल ऑफ ट्रैक। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन से। ऑटो सेल्स में मंदी देखने को मिल रही है, ये NBFCs के खराब परफॉर्मेंस की वजह से भी हो सकता है। ऑटो सेल्स से हमारा मतलब ऑटो की सेल्स मात्र से नहीं है, बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो स्थिति है वो मंदी गति से चल रही है। इसका मतलब क्या, अभी तो हम केवल ऑटो की बात कर रहे थे, तो क्या अब हम ऑटो और मोबाइल दोनों की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम यहाँ पर ऑटो जिसमें आप राइड लेते हैं, कहीं पे जाते हैं, और मोबाइल जिसका आप इस्तेमाल बात करने के लिए करते हैं, उसकी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल एक कलेक्टिव टर्म है उस इंडस्ट्री के लिए जिसमें कई तरीके के व्हीकल्स तैयार किए जाते हैं,
वो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल हो सकते हैं, आपकी राइडिंग के लिए व्हीकल्स हो सकते हैं। वैसे देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टिल कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो बेसिक से बताना पड़ता है। एक्चुअली में ऑटोमोबाइल का मतलब किसी भी ऐसे व्हीकल से है जो खुद चलने में सक्षम हो, जिसे खुद को चलाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ना पड़ती हो। वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, वो डीजल या पेट्रोल हो सकता है, वो तो व्हीकल के अंदर ही होता है जिससे वो चलते हैं, वो खुद से चलते हैं। खुद से चलने का मतलब ये नहीं कि बिना ड्राइवर के चलेंगे। ऑटोमोबाइल होने का मतलब है कि बैलगाड़ी ऑटोमोबाइल नहीं होती, क्योंकि उसे तो बैलों को खींचना पड़ता है, ठीक है। कार ऑटोमोबाइल होती है बिकॉज आपने उसमें डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया, वो चलेंगे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब ऐसे व्हीकल से ही होता है। अभी आप जानते हैं, देखिए ये इंडस्ट्री अभी थोड़े टफ फेज में चल रही है। अभी लेटेस्ट डेटा आया ऑटो सेल्स को लेकर, ऑटो सेल्स का मतलब पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो व्हीकल्स हैं उनकी सेल्स की बात कर रहे हैं हम। ये डेटा रिलीज़ किया गया सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के द्वारा। उन्होंने चिंता जाहिर की इसका प्रभाव हमारी पूरी इकोनॉमी पे पड़ने की संभावना है। जो व्हीकल के सेल्स हैं लगभग हर कैटेगरी में वो अप्रैल में डाउन हुए हैं, कम हुए हैं। टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं उनमें उनमें अब कमी देखने को मिल रही है। अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो उसमें 17% की गिरावट देखने को मिली है उनकी बिक्री में, और 2.47 लाख व्हीकल्स ही बेची जा सकी, और ये 8 साल का सबसे कम डेटा है, मतलब सबसे कम बिक्री हुई है। इसके पहले पिछले साल जो बिक्री हुई थी वो 2,98,000 व्हीकल्स के आसपास हुई थी। इसके अलावा अगर हम कार सेल्स की बात करें तो उसमें 20% की गिरावट दर्ज की गई है। तो हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वेरियस व्हीकल्स के दाम तेज़ी से नहीं, दाम नहीं, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, उनकी बिक्री सेल्स की बात कर रहे हैं जो कम हो रही है। इंडिया के जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी इस बात को रिपोर्ट किया है कि उनकी बिक्री गिर रही है, मतलब कि अब वो जितने व्हीकल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिक नहीं पा रहे हैं, दैट्स वाई उन्होंने प्रोडक्शन को गिरा दिया है। देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि लगभग हर एरिया में स्प्रेडेड है वो इस सेक्टर को भी हर्ट कर रहा है। इसका कारण वीक डिमांड है, मतलब लोग अगर व्हीकल खरीद ही नहीं रहे हैं रूरल इंडिया में और अर्बन एरियाज में भी, तो डेफिनेटली उनकी सेल्स गिरेंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कारण अगर आप समझना चाहें तो कारण ये है कि NBFCs अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। NBFCs के पास पैसे की कमी है, लिक्विडिटी स्क्वीज की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब NBFCs के पास पैसे नहीं है। NBFCs के पास पैसे नहीं है तो कार की सेल क्यों गिर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हीकल्स की सेल क्यों गिर रही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि NBFCs फाइनेंस करते हैं। जैसे कई बार आपके पास पूरे पैसे नहीं होते तो आप एग्जांपल देके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हम मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं। मुथूट फाइनेंस इंडिया का पहला NBFC था जो अभी भी फंक्शनिंग है, वर्क कर रहा है। 1888 में इसे शुरू किया गया था, मुथूट फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए NBFC करते क्या हैं, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और कंपनीज, तो ये एक्चुअली में फाइनेंशियल फंक्शंस तो परफॉर्म करते हैं बट ये बैंक नहीं है। बैंक ना होने का नुकसान क्या है कि ये पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये तो बैंकिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो इनको पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है, तो पैसे लेने के लिए ये बॉन्ड्स जारी करते हैं, ठीक है, और उससे वो पैसे लेते हैं। सपोज करिए ये एक NBFC है, मुथूट फाइनेंस है मान लीजिए, तो ये अपने बॉन्ड इशूज करके कॉरपोरेट से, बैंक से, म्यूचुअल फंड से, गवर्नमेंट से सबसे पैसे लेते हैं, और उसके बाद जो इनके पास पैसे आ जाएंगे उस पर ये अर्न करेंगे, और उसके बाद इनको फ़ायदा मिलेगा जिन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं। तो ये आपके व्हीकल्स के लिए भी वैसे कई तरीके के फंक्शन से परफॉर्म करते हैं, गोल्ड लोन भी देते हैं आप उनको। मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये गोल्ड लोन देने के लिए काफ़ी फेमस है। आप अपना सोना वहाँ पर रखिए, वो आपको पैसे देंगे। इसके अलावा फाइनेंसिंग का काम भी करते हैं। आपको व्हीकल चाहिए, टू व्हीलर की बात करते हैं, बहुत आगे नहीं जाते हैं, या फोर व्हीलर की बात कर लीजिए। सपोज़ करिए कि आप 15 लाख की कोई फोर व्हीलर परचेज़ कर रहे हैं, आपके पास तत्काल में बहुत पैसे नहीं हैं, आप 1 लाख रुपए की फाइनेंसिंग कर दीजिए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो आपके पास हैं वो दे दीजिए, बाकी का पैसा आप धीरे धीरे चुका दीजिए, और इस बात की गारंटी ये NBFC ले लेता है या ये आपके बदले में पैसे चुका देते हैं, और फिर आपको इन्हें पैसा देना होता है, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी ये चार्ज करते हैं जो कि आपको इन्हें पे करना होता है। थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत तो नहीं होता है। तो इस तरीके से पूरा जो NBFCs होते हैं वो आपको फाइनेंस करके व्हीकल्स को परचेस करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर NBFCs के पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप कैसे खरीदेंगे? अब मुद्दा ये है कि NBFCs के पास पैसे क्यों नहीं हैं। NBFCs को अब पैसे मिल नहीं रहे हैं क्योंकि बैंक्स और जो अदर एंटिटीज़ हैं वो NBFCs को फंड नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि ILNFS अभी फेल हुआ, जो कि एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बहुत ही प्रीमियर NBFC था। तो
तो लोगों को लग रहा है कि एनबीएफसी के सेक्टर में वोलेटिलिटी चल रही है, वहां पे पैसे उनके डूब सकते हैं, खतरा हो सकता है, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई अब वहां पर पैसे लोग दे नहीं रहे हैं। अब देखिए, कोई कॉर्पोरेट होल्डर है, उसके पास सपोज करिए 25 करोड़ रुपए आ गए, उसकी इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो बैंक में देगा, उसको 6% 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो बैंक को क्यों देगा? वो सीधा एनबीएफसी को पैसे देगा, एनबीएफसी उसे 10% इंटरेस्ट देने को तैयार है, ठीक है। लेकिन अब एनबीएफसी डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो अपना पैसा निकाल के बैंक में डाल देंगे, एनबीएफसी के पास उनका पैसा तो कहीं नहीं, कि कहीं ना कहीं गया, लेकिन एनबीएफसी को नहीं मिला। तो इसका नुकसान कहाँ हो रहा है? ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है। तो ये आपने माजरा समझा कि एनबीएफसी के पास पैसे की कमी है, दैट्स वाई कार की सेल गिर रही है, अदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की व्हीकल्स हैं उनकी सेल गिर रही है। तो ये तो हमने एक कारण जाना। दूसरा कारण एक और भी है, क्योंकि अभी राइड शेयरिंग फर्म्स डेवलप हो गई हैं, जैसे कि ऊबर और ओला, तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में अब लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। कोई कार क्यों खरीदेगा? कार इतने सारे पैसे लगा के खरीदिए, उसे रखने की जगह बनाइए, उसे मेंटेन करिए, उसका अलग खर्चा होता है। सिंपल सा है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, कॉल किया, गाड़ी आ गई, 10 मिनट 15 मिनट में आप बैठे और निकल दिए, तो फिर कोई क्यों कार खरीदेगा? तो दैट्स वाई भी जो कार की सेल है वो गिरी है, ये भी एक कारण है। ऐसा नहीं कि ग्लोबल लेवल पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ पे भी दिक्कत चल रही है। जो ग्लोबल लेवल पे बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी सेल्स भी डाउन जा रही हैं। बट वॉट कुड पोज अ ग्रेटर थ्रेट, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा क्या हो सकता है? अभी जो शैडो बैंक्स या एनबीएफसीज पोज कर रहे हैं, शैडो बैंकिंग का मतलब ये होता है कि बैंक्स के अलावा जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं किसी अन्य एंटिटीज़ के द्वारा, उन्हें शैडो बैंकिंग कहा जाता है, शैडो बैंक्स कहा जाता है। शैडो बैंकिंग का ये कॉन्सेप्ट 2007 में इमर्ज होकर आया था। एक्चुअली में इसका इस्तेमाल यूएसए में किया गया था, जिसके बाद सबप्राइम क्राइसिस हमारे सामने आ गया था। उन एंटिटीज़ के लिए शैडो बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया था जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले रहे थे। आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर रिटर्न 15 साल बाद आएगा, और आपने पैसे रिटर्न करने के लिए जो पैसा लिया है वो एक साल के टर्म के लिए लिया है कि हम आपको एक साल बाद पैसे वापस कर देंगे, तो ये तो डिफॉल्ट करेंगे। हालांकि अमेरिकन कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जब ये टर्म कॉइन किया गया था, हालांकि इनका मतलब ऐसी किसी एंटिटी से होता है जो बैंकिंग एम्बिट के बाहर जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट कर रहे होते हैं, लोन दे रहे होते हैं। देखिए, इस सेक्टर को काफ़ी बेहतर करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी ये जो सेक्टर है शैडो बैंकिंग वाला या एनबीएफसीज वाला, इन्होंने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्पेस कैप्चर कर रखा है, स्पेसिफिकली बैड लोन्स की समस्या के बाद। अब बैंक्स पैसे देने को तैयार है नहीं, तो लोग एनबीएफसीज या अदर एंटिटीज़ के पास जाके पैसे ले रहे हैं, तो दैट्स वाई इन्होंने बहुत बड़ा स्पेस कैप्चर कर रखा है। और अगर इस स्पेस में वॉलेटिलिटी आती है तो फिर इकॉनमी प्रभावित होगी, ये स्वाभाविक सी बात है। आरबीआई को चाहिए कि वो असेसमेंट करे कि आखिर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। अगर वो डायरेक्ट इंटरव्यू ना भी करें, जैसे एनबीएफसीज को रिवाइव करने की गारंटी आरबीआई लेता नहीं है, बैंक्स को तो वो बैकअप देता है बट एनबीएफसीज को नहीं देता है, रेगुलेट करते हैं बट बैकअप नहीं देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन अगर ना भी करें तो एक ऐसा अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है जिससे कि रेगुलेशन किया जा सके। जो आरबीआई के इसके पहले के गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उनका विचार ये था भी, बट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अभी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इस बात पर अभी संज्ञान में लेने की आवश्यकता है इस बात को, कि अगर हम आरबीआई इन एनबीएफसीज के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ना भी बने, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि उनको हमेशा बैकअप करें, उनको पैसे दे रिवाइव करने के लिए, फिर भी उन्हें ज़रूरत पड़ने पर रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेंट्रल बैंक को चाहिए कि वो एनबीएफसीज को कुछ इस तरीके से दबाव में रखें कि अपने बैलेंस शीट को एडजस्ट करते रहें, गलत प्रैक्टिसेस को ना अपनाएं। जैसे INFS के डिफॉल्ट करने का कारण क्या था? उन्होंने भी वही गलती करी थी, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले रखे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 10 साल 15 साल में पूरे होते हैं, रिटर्न आने में काफ़ी समय लगता है, और आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है 3 साल का। अब जिससे आपने लोन ले रखा है, जिसके पैसे आपने ले रखे हैं, वो तो 3 साल बाद आके मांगेगा और आपको रिटर्न मिलेगा 15 साल बाद, आप पैसे दोगे कहां से? ये मुद्दा है ना, दैट्स वाई INFS डिफॉल्ट कर गया। तो ये दिक्कतें ना आए, इसलिए रेगुलेशन की ज़रूरत है इन फाइनेंशियल कंपनीज पर, ये बात यहाँ पर आर्टिकल में बताई गई है। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। क्वेश्चन है आपके पास मींस का, द लेटेस्ट डेटा ऑन ऑटो सेल्स रिलीज बाई द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम शोज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड रेमेडीज फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिवाइवल के लिए यहाँ पर कॉजेज बताइए कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, और फिर रिवाइवल के रेमेडीज बताइए, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडियाज पुअर बिलियनियर्स, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, इनफैक्ट आप इसे पेपर 3 से जोड़िए, पेपर 2 तो यहाँ पर गलती से लिखा गया है, पेपर 3 में आप इसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले से ही जोड़ लीजिए, वहीं से ये बेहतर जुड़ेगा ही, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक से आप इसको जोड़ दीजिए।
कॉरपोरेट्स काफ़ी सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लोन होता है, उन्होंने बैंक से, पब्लिक से करोड़्स ऑफ नंबर में जो पैसे होते हैं वो अमाउंट ले रखा होता है, तो उन्हें अमीर कहना थोड़ा गलत है। कैसे गलत है, उसका क्या नुकसान होता है, उसी पर चर्चा करेंगे आर्टिकल में। देखिए, लैंग्वेज एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट होता है हर व्यक्ति के पास, उसका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन हम शब्दों का इस्तेमाल यूजुअली अपनी आदत के हिसाब से करते हैं। हम इस बात का ध्यान देते नहीं कि उसका मतलब सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यूजुअली हम लोगों को रिच इस आधार पर कह देते हैं बिकॉज उनके पास खूब सारे पैसे हैं, या फिर हमारे पास देखिए बिलियनर्स की एक लिस्ट है जो दिन ब दिन बढ़ती भी चली जा रही है। हम मानते हैं कि ये लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या इन बिलियनर्स को वास्तव में अमीर कहा जाना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जो बिलियनर्स हैं, अगर फैक्चुअली बात करें, तो भारत के कुछ बहुत ही गरीब लोगों में से हैं। अगर हम उनके डेट का इवेल्युएशन करें, तो जो कॉरपोरेट जाइंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा इंडिविजुअली बैंक से उधार ले रखा होता है। अब देखिए, बैंक्स पैसे पैदा तो करते नहीं हैं, ना तो वो रुपए की खेती करते हैं, उनके पास रुपए जाते कहाँ से हैं? वो रुपए जो बैंक के पास हैं, जिन्हें वो डेट के तौर पे दे देते हैं इन बिलियनर्स को, वो हमारे और आपके पैसे हैं जो बैंक में हम सबमिट करते हैं, जमा करते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया डू, जो हम वहाँ पर जमा करते हैं, ये हमारा पैसा है जो ये कॉरपोरेट सोख लेते हैं, वो अपने पास उसे डेट के तौर पर ले लेते हैं। लेटेस्ट काउंट के हिसाब से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 10 लाख करोड़ के आसपास है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं और आप इतने बड़े अमाउंट को सोच भी नहीं सकते कि हम इतना अमाउंट कभी ले पाएंगे। जस्ट इमेजिन, कुछ हैंडफुल ऑफ बिलियनर्स के पास ये सारा पैसा है, ये सारा बर्डन उनके ऊपर है, हम और आप तो इतने बड़े अमाउंट के नीचे दब कर ख़त्म हो जाएंगे। बट दे गो ऑन, लेकिन वो हमारे पैसे के साथ मजे से रह रहे हैं, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन उनका डेट बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कुछ और बातें कही थी जो मुझे उचित नहीं लगा यहाँ आर्टिकल में रखना, तो मैंने काट दिया है। उन्होंने ये लिखा था कि मैं और आप इतने बड़े अमाउंट के नीचे दब जाएंगे, किसान इससे छोटे से अमाउंट के नीचे दब कर सुसाइड कर लेते हैं, तो वो बातें लिखने लायक थी नहीं। दैट्स व्हाई आई अवॉइडेड दोज लाइंस, बट मैंने आपको बता दिया, याद आ गया मुझे। तो देखिए, हर दिन जो उनका डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उनका ये जो दुख है, उनका ये जो कष्ट है, उसे कोई संज्ञान में लेता नहीं है, उसका कोई ध्यान देता नहीं है। हम और आप तो इतने डेट के नीचे पागल हो जाते, लेकिन ये लॉन्ग सफरिंग कॉरपोरेट्स फिर भी मजे से रह रहे हैं। इतने बड़े डेट के होने के बावजूद उनका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, तो इसके लिए हमें उन्हें बहादुर कहना चाहिए। एक्चुअली में थोड़ा सा आयरॉनिकल होकर बोल रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा डेट होने के बावजूद मजे से रह रहे हैं, हम उन्हें ब्रेव कह सकते हैं, लेकिन रिच कहना गलत है। रिच तो वो नहीं है, वो वास्तव में गरीब हैं जिन्होंने लोगों का इतना बड़ा अमाउंट अपने पास ले रखा हो। हाउ कैन वी कॉल देम रिच, दे आर पुअरेस्ट इन इंडिया। देखिए, पुअरेस्ट होने का मतलब क्या होता है? दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए के ऊपर 100 रुपये का उधार है और पर्सन बी के ऊपर 1000 रुपये का उधार है। आप किसे ज़्यादा गरीब कहेंगे? पर्सन बी को ऑब्वियसली, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा उधार है। तो आखिर ज़्यादा गरीब कौन है? वास्तव में ये लोग ज़्यादा गरीब हैं जिन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस अमाउंट डेट ले रखा है। फॉरगेट अबाउट द डेट बर्डन दे स्ट्रगल अंडर, उस डेट बर्डन को आप थोड़ा सा किनारे करिए। हम बात करते हैं कि रिच होने का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में थोड़ा सा फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है। हम उन्हें रिच कहते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं, इस बात को अवॉइड करते हुए कि उनके पास कितना ज़्यादा डेट है। तो रिच होने का वास्तव में मतलब क्या है, किस आधार पर रिचनेस को इवेल्युएट किया जाना चाहिए? अगर आप भूटान के राजा से यही सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हैप्पीनेस एक स्टैंडर्ड होना चाहिए रिचनेस को मेजर करने का। क्या कोई पॉजिटिव कोरिलेशन है क्या हैप्पीनेस और वेल्थ का? क्या आपके पास अगर खूब सारे पैसे हो जाएं तो आप खूब खुश हो जाएंगे, एकदम हैप्पी हो जाएंगे? आप कल सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आप एक मिलियनेयर हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? आप कितना ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे? क्या आप खूब सारे पैसे कपड़ों में खर्च करना शुरू कर देंगे? कितनी खुशी मिलेगी उससे आपको? गिवन द वे थिंग्स आर, जिस तरीके से चीज़ें अभी यहाँ पर हैं, चल रही हैं, सरकार को इंटरवीन करना होगा। ये जो बड़े कॉरपोरेट कैट्स हैं जिन्होंने इतना सारा ओ कर रखा है लोगों के पैसे को, उनका साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इन बिल्लियों के गले में घंटी को बांधने की आवश्यकता है। इस सिचुएशन की एक रेमेडी तो ये हो सकती है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने देश को इकोनॉमिक रियून से बचा लें, तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि आखिर रिचनेस या फिर पॉवर्टी का मतलब होता क्या है। देखिए, हमारे सोसाइटी में कुछ रॉन्ग नोशंस चल रहे हैं। हम स्टोलन वेल्थ को बड़े आराम से वेल्थ का पार्ट मान लेते हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो किस तरीके से स्टोल किया गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
ये हमारे समाज की दिक्कत है। आपने भी देखा होगा, यही कारण है कि इंडिया में करप्शन वाइडस्प्रेड तौर पर सर्वाइव कर पाया है। आपके आसपास सोसाइटी में कई सारे लोग होंगे जिन्होंने रॉन्ग मीन्स से पैसे कमाए होंगे, लेकिन क्या करप्शन की वजह से जो उन्होंने पैसा कमाया है, गलत काम करके पैसा कमाया है, क्या उससे उनकी रेस्पेक्ट में कोई कमी आती है क्या? क्या लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि उस व्यक्ति ने पैसे कहाँ से कमाए हैं? करप्ट प्रैक्टिस से कमाए हैं? क्या उसे सोशल बायकॉट का सामना करना पड़ता है? क्या उसे फैमिली बायकॉट का सामना करना पड़ता है? क्या ऑफिस के लोग जहाँ पर वो करप्शन कर रहा है उससे किनारा कर लेते हैं? क्या कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति करप्शन करता है तो? ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। अगर ऐसा हो तो व्यक्ति करप्शन करने से कतराएगा, लेकिन यहाँ पर करप्शन को एक्सेप्ट किया जाता है। किसी व्यक्ति ने करप्शन करके खूब सारे पैसे कमा लिए हैं, उसे सोसाइटी में वही प्रेस्टीज, वही रेस्पेक्ट मिलती है जो किसी अन्य व्यक्ति ने किसी फेयर मीन से कमाए हों। इस बात से किसी को फर्क पड़ता नहीं कि पैसे आए किस तरीके से हैं। मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति के पास पैसे हैं और वो रिच है। दैट कैन नॉट बी द पैरामीटर। ये पैरामीटर नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति रिच कैसे है। तो जब तक हम इस नोशन को समाज में बदलेंगे नहीं, वेल्थ का मैकेनिज्म बदलेंगे नहीं, नोशन नहीं बदलेंगे, तब तक चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। तो आइए अब अपना इंटरव्यू का क्वेश्चन देखते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक बैकग्राउंड में आपको बात बताना चाह रहा था, और उस बात को बताने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल एक्चुअली में स्टोरी के फॉर्मेट में है, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पिता और एक बेटा कार ड्राइव करते हुए जा रहे थे। सडनली और अनफॉर्चुनेटली कार का एक्सीडेंट होता है। पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। बेटा भी बुरी तरीके से घायल होता है। फॉर्चुनेटली उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है जहां पर उसे सर्जरी की आवश्यकता थी। द सर्जन केम बट सर्जन डिनाइड टू डू सर्जरी और ऑपरेशन कॉलिंग दैट कि ये उसका बेटा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? सवाल आपने सुना, सर्जन केम बट ही डिनाइड टू डू सर्जरी और ऑपरेशन कॉलिंग दैट कि ये उसका बेटा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है जबकि पिता की मौत तो रास्ते में ही हो चुकी है? सवाल का जवाब है, सर्जन उसकी माँ थी। देखिए, सवाल का जवाब हो सकता है एक दफा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक ना किया हो, क्लिक हो सकता है किया भी हो, सम ऑफ यू आर रियली इंटेलिजेंट, बट जिनके दिमाग में क्लिक ना किया हो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्टिकुलरली मैं किसकी बात क्यों करता हूँ? हमारे दिमाग में पहली दफा इस सवाल का जवाब क्यों नहीं आया? दैट इज बिकॉज ऑफ जेंडर बायसनेस। हम ये सोच नहीं पाते कि सर्जन माँ भी हो सकती है, सर्जन एक वुमेन भी हो सकती है। हमारे दिमाग में एक बात बसी हुई है कि सर्जन और डॉक्टर मेल होता है। व्हेन आई से द सर्जन केम, आपके दिमाग में एक मेल पिक्चर बनी होगी, फीमेल पिक्चर नहीं बनी होगी, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है। तो जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जेंडर बायसनेस, अब देखिए हम सवाल पर आ गए। एक बात और बताना था कि समटाइम्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है जेंडर इक्वलिटी के ऊपर। तो जब यूपीएससी क्वेश्चन जेंडर इक्वलिटी के ऊपर पूछती है तो हम मेल और फीमेल में अटक के रह जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि एक थर्ड जेंडर भी होता है, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग भी होते हैं, और जेंडर इक्वलिटी में उनकी इक्वलिटी की भी बात होनी चाहिए। तो ये फैक्टर हम इग्नोर कर देते हैं। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी का मतलब होता है कि आप तीनों जेंडर्स को इंक्लूड करें। जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जेंडर बायसनेस किस तरीके से हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करता है, ये सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जेंडर बायसनेस का मतलब क्या होता है वो उस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सवाल का जवाब एक बार में क्लिक क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ बातें बसी हुई हैं। इसीलिए हम कहते हैं सोच को बढ़ाना होगा। जब तक आप सोच नहीं बढ़ाते तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, मेंटली ग्रो नहीं कर पाएंगे। चलिए एक सवाल आपसे और पूछता हूँ। अगर आप दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर या किसी अन्य प्लेस पर रहते हैं, किसी अन्य शहर में, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, वहाँ से आपको अपने घर जाने में कितना समय लगता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, कितना समय लगता है? एक्चुअली में दैट डिपेंड्स कि आप सोचते कैसे हैं। मुझे तो लगता है कि अगर आप जाना चाहें तो 2 घंटे के समय में भी आप पहुंच सकते हैं। मुद्दा सिर्फ सोच का है। आपके दिमाग में क्या जवाब आया था? 8 घंटे, 6 घंटे, आपने क्या सोचा? आप कैसे ट्रेवल करेंगे, बस से या ट्रेन से? आपने वही सोचा होगा जिससे आप ट्रेवल करते हैं। अगर आप बस से जाते होंगे तो आपने बस का टाइम इवैल्यूएट कर लिया होगा, 6 घंटे। ट्रेन से जाते होंगे तो ट्रेन का टाइम इवैल्यूएट कर लिया होगा, 8 घंटे। हम ये सोच नहीं पाते कि हम प्लेन से भी तो जा सकते हैं, हम क्यों बस से और ट्रेन से ही जाएंगे? तो मुद्दा तो सिर्फ सोच का है। आप कहाँ तक सोच रहे हैं, उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है। अगर आप
मल्टी डायमेंशनल होके सोचेंगे, ये तो केवल एक एग्जाम्पल था, आपको हर मुद्दे पर हर डायमेंशन को सोचने की जरूरत होती है और ये काम आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा, सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स।